नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये पौधे देख लीजिए यहाँ पे, है ना, मेरे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इस पौधे को वज्रदंती के नाम से जानते हैं और हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, लेकिन पौधे को देख करके पहचान लीजिए। और इसका फूल इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में लिखे हुए इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा, जिससे व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, इच्छा अनुसार अपने रूप को बदल सकता है, यहाँ तक कि अगर इसके बीज को मुख में धारण किया जाए तो वेग स्तंभन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि इसके मूल से सिद्ध दुग्ध पीने से वीरक की वृद्धि होती है, अर्थात जटा शुद्ध दुग्ध का पान करने से शुक्र वृद्धि होती है और इसका शीघ्रता से पान करना चाहिए। अगर इसके दुग्ध का, ठीक है, इसके मूल के जो दुग्ध रहता है, अगर 21 दिन तक सेवन किया जाए तो मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और 3 मास तक सेवन करने से मंडल से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है। मतलब अगर 3 महीने तक इसके जो मूल होता है, जड़ होता है, इसके निकलने वाले दूध का सेवन किया जाए तो दोस्तों इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बन जाता है और अदृश्य हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति अगर इसके मूल का दूध पीते हैं तो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं और अदृश्य हो सकते हैं। और यह भी लिखा है कि अगर इसके बीज को मुख में धारण किया जाए तो वेग स्तंभन हो जाता है। मतलब ये यौन ताकत वालों के लिए सबसे बेस्ट है, वेग स्तंभन करना चाहते तो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होने देते। तो ये थे छोटी सी जानकारी और भगवान इस जानकारी को शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं। तो हो सकता है काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में बताए गए जानकारी सही हो सकते हैं, हम इसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ में बताए गए सारे जानकारी आज भी दोस्तों ढूंढने पर सिद्ध हो रहे हैं, मतलब सही हो रहे हैं। तो ये थे छोटे से जानकारी। प्राचीन ज्ञान चैनल में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।